हाय गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन। इस वीडियो में बात करेंगे हीमोप्टिसिस की कंडीशन के बारे में। हीमो का मतलब होता है ब्लड और प्टिसिस मतलब कि स्पूटम। जब भी हमारे थूक के साथ हमारे बलगम के साथ खून आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोप्टिसिस। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से कारण रह सकते हैं हीमोप्टिसिस के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला कारण है यहाँ पे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकी और आइटिस मतलब कि सूजन, मतलब कि हमारी जो श्वास नलियाँ है, सांस की नली की सूजन, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। दूसरा कंडीशन रहता है यहाँ पे ब्रोंकेक्टेसिस। ब्रोंकी हमने बोला कि श्वास नली, और एक्टेसिया मतलब कि डायलेशन, मतलब कि ब्रोंकेक्टेसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि परमानेंट वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकी, जो हमारी श्वास नली का रहती है, उनका परमानेंट ऐसे डायलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे बलगम के साथ में भी यहाँ पे खून आ सकता है। आगे का कंडीशन है यहाँ पे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन है हमारे जो एयर शेक होते हैं, हमारी अल्वेओली होती है उनके, जहाँ पे क्या रहते हैं कि ये जो हवा के क्वार्टर रहते हैं इनके अंदर यहाँ पे फ्लूड या फिर मवाद बढ़ जाता है, जो पुरुलेंट मटेरियल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है और इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। आगे यहाँ पे बात करें तो एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा क्या होता है, तो ये हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन है, ये फंगस इन्फेक्शन है, जो कि फंगस एस्परजिलस से होने वाला इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लंग एब्सेस मतलब कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसे फोड़ा बन जाता है, ऐसे जो पुरुलेंट मटेरियल है, मवाद भरा थैली जैसा बन जाना, और इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। आगे की कंडीशन है यहाँ पे पीई, जिसका मतलब होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि क्या रहता है कि यहाँ पे जो हमारे फेफड़ों की खून की नलियाँ रहती है वो यहाँ पे खून का गत्था जमने की वजह से ब्लॉक हो जाती है, और इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। आगे यहाँ पे बात करें तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कैंसर, जो हमारी श्वास नलिका है उनका कैंसर रहना, या फिर ट्यूमर की कंडीशन है, फेफड़ों की कैंसर की कंडीशन है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो कोगुलोपैथी, मतलब कि जो हमारा खून जमने का प्रोसेस है वो यहाँ पे इम्पेयरमेंट होना, उसका डिस्टर्बेंस होना, हमारा जो खून है उनका न जमना, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। आगे यहाँ पे कुछ दवाइयों की वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस रह सकता है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट और जो एंटीप्लेटलेट की दवाइयाँ रहती है, जो कि खून को पतला करने वाली दवाइयाँ रहती है, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस रह सकता है। आगे कुछ जन्मजात होने वाली बीमारियां, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारा म्यूकस है, जो हमारा श्लेष्म है, पसीना है, और जो डाइजेस्टिव जूस होता है उनको प्रोड्यूस करने वाले जो कोशिकाएं रहती है, कोष जो रहते हैं उनके ऊपर अटैक करने वाली ये बीमारी रहती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन, जहाँ पे क्या रहता है कि वो जो जूस है वो यहाँ पे ऐसे थिक बन जाते हैं, ऐसे स्टिकी बन जाते हैं, और उसकी वजह से क्या रहता है कि वो जो उनकी नलियाँ रहती है, डक्ट्स रहती है, ट्यूब रहती है, पैसेज वे होता है उनका, वहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट होके वहाँ पे चिपक जाती है, और उनकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज रह सकता है, तो इसकी वजह से भी हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियाँ है, अभी ऑटोइम्यून बीमारियाँ क्या रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि हमारी खुद की बॉडी हमारे जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनके ऊपर अटैक करती है, और उनको उनकी वजह से जो रोग होता है उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून बीमारियाँ। तो यहाँ पे ऑटोइम्यून बीमारियाँ जैसे कि गुड पास्चर सिंड्रोम है, जहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे जो हमारी किडनीज है और जो लंग्स है, फेफड़े हैं, इनको इन्वॉल्व करने वाली ये बीमारी रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है कि जो झिल्ली है उनके ऊपर जो एंटीबॉडी है वो अटैक करती है, और उनकी वजह से जो किडनी को ऊपर इन्वॉल्व जो किडनी के ऊपर असर करेगा, तो उसकी वजह से हीमेच्यूरिया देखने को मिलता है, मतलब कि पेशाब के अंदर खून का आना, और वो यहाँ पे फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, तो उसकी वजह से हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। आगे कुछ और भी ऑटोइम्यून बीमारियाँ है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE की कंडीशन होती है। आगे यहाँ पे बात करें तो एवी मालफॉर्मेशंस। एवी मालफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, तो जहाँ पे क्या रहता है कि जो आर्टरीज है, धमनी रहती है, और जो वेन्स रहती है, शिराएं रहती है, उनका एबनॉर्मली कनेक्शन हो जाना, वो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो इसकी कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। जैसे कि यहाँ पे फेफड़ों के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरीज रहती है, पल्मोनरी वेन्स रहती है, वो ऐसे जुड़ जाती है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है।
अगर यहाँ पे बात करें तो अल्वियोलर हैमरेज, जहाँ पे एक जो रहती है एयर शेक, मतलब कि यहाँ पे हवा का कोटर अल्वियोली रहता है, और उनका बंच जो ऐसे ग्रेप्स जैसे देखने को मिलते हैं तो उनको बोलते हैं अल्वियोलर शेक। तो ऐसे पाउच के अंदर ऐसे ब्लीडिंग का होना, और वो भी ये ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से रह सकता है, ऑटो एंटीबॉडी की वजह से रह सकता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। अगर यहाँ पे बात करें तो मित्रल स्टेनोसिस का कंडीशन रहता है, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट तरफ का हमारा बाई ओर का जो हमारा हार्ट है उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ऊपर का चैम्बर और नीचे का चैम्बर के बीच का एक वाल्व होता है मित्रल वाल्व, तो उसका स्टेनोसिस, उसका यहाँ पे नैरोइंग होना, वो ऐसे संकीर्ण हो जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे हीमोप्टिसिस की कंडीशन रह सकती है। आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ वास्कुलाइटिस की कंडीशन रहती है, जहाँ पे कुछ सिंड्रोम्स रहते हैं, जैसे कि CSS सिंड्रोम आता है, चर्ग स्ट्रोज सिंड्रोम आता है, जहाँ पे क्या रहता है कि सिस्टेमिक स्मॉल वेसल्स जो रहती है हमारी, उनका यहाँ पे वास्कुलाइटिस होना, वो खून की नलियों का यहाँ पे सूजन बन जाता है, तो ये जब फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से भी हीमोप्टिसिस रह सकता है। ये थे यहाँ पे कुछ कारण जिसकी वजह से हीमोप्टिसिस का कंडीशन रह सकता है, मतलब कि हमारे बलगम के साथ, हमारे थूक के साथ खून का आना, तो ये रह सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।